वेलकम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अमित। दोस्तों, 14 दिसंबर 2023 को दिल्ली सरकार ने दिल्ली वासियों को 500 और न्यू इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी। दिल्ली के सीएम श्री अरविंद केजरीवाल और परिवहन मंत्री श्री कैलाश गहलोत जी ने आईपी डिपो से 500 और न्यू इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली में पॉल्यूशन जैसी समस्या को काफी हद तक कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। दोस्तों, दिल्ली में पहली इलेक्ट्रिक बस 17 जनवरी 2022 को चलाई गई थी और 7 मार्च 2022 को दो और इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च की गई। उसके बाद 24 मई 2022 को 150 न्यू इलेक्ट्रिक बसें धीरे धीरे बढ़ाई गई और 24 अगस्त 2022 को 97 बसें डीटीसी के बेड़े में शामिल हुई। दोस्तों, 2 जनवरी 2023 को 50 बसें, उसके बाद 1 मई 2023 यानी इस साल के पहले दिन नई 100 बसेस को डीटीसी के बेड़े में शामिल किया गया। उसके बाद 5 सितंबर 2023 का दिन था जब 400 और न्यू इलेक्ट्रिक बसों को दिल्ली की सड़कों पर उतारा गया। और आज का दिन दिल्ली परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार और दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत बड़ा दिन रहा। अब तक की सबसे बड़ी संख्या बसों की 500 और न्यू इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली की सड़कों पर चलाई जाने वाली हैं। इस तरह से दिल्ली में कुल इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 1300 हो गई है और आने वाले कुछ महीनों में ये इलेक्ट्रिक बसें ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाएंगी, जिससे 34,000 टन कार्बन कम होगा। दिल्ली में प्रदूषण जैसी समस्याओं को भी काफी हद तक कम किया जा सकेगा और ये बसें काफी ज्यादा एडवांस होंगी। इन बसों में सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन, जीपीएस, स्टॉप बटन, मॉनिटर सिस्टम और सबसे खास बात, इन बसों में महिलाओं के लिए पिंक सीटें दी गई हैं, दिव्यांगों के लिए नीलिंग रैम की सुविधा, 0% पोल्यूशन के साथ ये बसें दिल्ली की सड़कों पर चलाई जा रही हैं। और दोस्तों, इन बसों के चार्जिंग पॉइंट भी दिल्ली के कई बस डिपो में तैयार कर लिए गए हैं और ये बसें एक बार चार्ज करने पर कम से कम 120 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली वासियों को बसों को लेकर एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है आज के दिन और दिल्ली सरकार ने कैब एग्रीगेटर और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम को भी मंजूरी दे दी है, जिससे दिल्ली में जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं, बाइक, टैक्सी, ओला, कैब, ये सभी गाड़ियां आने वाले कुछ महीनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होने वाली हैं। तो और अब साथ ही साथ 500 और न्यू इलेक्ट्रिक बसों को दिल्ली की सड़कों पर उतार दिया गया है। तो दोस्तों, दिल्ली वासियों के लिए तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। ये थी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो में दी। वीडियो पसंद आई दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।